नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार जो कि काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों वो बॉलीवुड में पैड़ी शकील बना के फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि भाई साहब अक्षय कुमार ने पिछले कई सालों से एंड सदियों बीत गई, अभी तक उनकी कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं आई है यार, ये तो आपको भली भांति पता है। नहीं नहीं पते, चलिए जिसको नहीं पते उसको मैं बता देता हूँ। देखो भाई साहब, इसमें करियर डुबाने का जो काम कर रहे हैं वो खुद अक्षय कुमार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो एक साल में लगभग वो 5-6 फिल्में बना मैं, जिसमें से सारी की सारी कुछ तो डिजास्टर हो जा मैं एंड कुछ फ्लॉप ही हो जा मैं। एंड हाल ही में अब तक इस साल में भी उनकी एक फिल्म आई है जिसका नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ था, एंड फिल्म तो अच्छी थी यार। फिल्म में अच्छा खासा खिलाड़ी भैया ने एक्शन किया था, एंड खिलाड़ी भैया के साथ साथ यार एक और जो एक्टर्स हैं जैसे मस्कुलर बॉडी लै पड़े हैं, क्या नाम है उनका, टाइगर श्रॉफ भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी। लिटरली मैं आपको बताऊं यार, फिल्म मुझे तो बढ़िया लगी है, लेकिन यार फिल्म को वो रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। एंड वजह यही थी कि एक साल में कई फिल्में देना, क्योंकि दोस्तों कौन इतनी बकचोदी कौन देखना पसंद करता है आप ही बताओ। बताओ एक साल में अगर अक्षय कुमार एक तमीज़ की फिल्म दे में तो हर उनके जो फैंस हैं वो अच्छी तरीके से उस फिल्म को देखेंगे एंड फिल्म को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। लेकिन देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, देखो किसी को दाल चावल पसंद नहीं है और उसके पास तुम लाइक कटोरा भर के पड़ जाओ तो यार उसे गुस्सा आएगा ना और वो नहीं खा पाएगा, तो ऐसी यार फिल्म की बात है। अक्षय कुमार अगर की फिल्म बनाएंगे तो वो उनकी फिल्म चलेंगी भी। एंड ऐसा नहीं कि बॉलीवुड के जो खिलाड़ी हैं अक्षय कुमार वो बेकार हीरो, बहुत बढ़िया हीरो यार। उनकी जितनी 90s की फिल्म है सारी की सारी ब्लॉकबस्टर, एंड खिलाड़ियों के खिलाड़ी यार दिस इज फंटेस्टिक फिल्म है। और भी कई सारी थी जिसमें यार ताबड़तोड़ एक्शन हमें देखने के लिए मिला था भाई साहब अक्षय कुमार का। लेकिन अब पता ना यार कौन सा नजा करके बैठे हैं, कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर ना हो रही, ब्लॉकबस्टर छोड़ो यार सुपर हिट ही हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन भैया अब क्या लग रहा है जैसे अक्षय कुमार का कमबैक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक फैन उनकी आ रही है जिसका नाम है जोली LLB 3, जो कि एक जोली LLB कोई एक सफल मूवी रही जिसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित रहे, तो उसका थर्ड पार्ट हमें इस साल से अगले साल में देखने के लिए मिलने वाला है। एंड दोस्तों फिलहाल फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है जो कि अजमेर में चल रही है, और उसके बाद दोस्तों फिल्म की लोकेशन और भी चेंज होगी, शूटिंग की जो लोकेशन है उसे अलग अलग मैनी लोकेशन पे शूट किया जाएगा, जो कि यार मेरे के मैं क्या बताऊं, फिल्म तो काफ़ी अच्छी होने वाली है जिसमें हमें अक्षय कुमार के साथ जो अपने बॉलीवुड के कॉमेडियन है यार अरशद वारसी वो एक बार फिर से देखने के लिए मिलने वाले हैं यार। खैर यार तुम कितने एक्साइटेड हो जोली LLB के 2 के बाद इसके थर्ड पार्ट को देखने के लिए कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।